नहीं, गेस्ट तो हमेशा बहुत पसंद है और हमारे समाज में तो कहा जाता है कि गेस्ट जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन जो फिल्मों में हमने देखा है यू नो जो अश्विनी जी दिखाते हैं कि कुछ ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जो I'm interrupting. जैसे पहले होता था हमारे पास फ़ोन्स नहीं होते थे तो लोग ऐसे ही आ जाते थे घर पे, पर आजकल फ़ोन होता है और बिना फ़ोन किए अगर कोई घर पे आ जाए तो एक्चुअली लगता है इतना सारा काम था और अभी आ गए. तो आई थिंक देयर आर ऑलवेज टू वेज ऑफ इट एंड आई थिंक दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट ही हैज़ पोर्ट्रेड, कि बिन बताए और अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो तब देवो भव वाली फीलिंग नहीं आती. सोशल मीडिया में तो आजकल एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है और एक अलग मज़ा भी आता है. फैंस को आप यू नो आप इनडायरेक्टली टच में रहते हैं, इनफैक्ट आप टच में हैं उनसे, तो ये सबसे अच्छा जरिया है उनके टच में रहने का. नहीं एक्चुअली क्रिएटिविटी ऐसा लगने लगा है बिकॉज जैसे पेरिस घूमने गई थी तो एक एक करके फ़ोटोज़ डाल रही थी, जब लास्ट में ऐसा लगा कि बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं और हर एक के साथ में अलग अलग से क्या कैप्शन डालूं, तो मैंने पीछे एक पेरिस वाला गाना डाल के सारे फ़ोटोज़ का एक कोलाज वीडियो टाइप का बना के मैंने सारा डाल दिया एंड इट लुक्ड वेरी नाइस. तो वो एक्चुअली क्रिएटिव बन गया. मैं चाहती थी कि एक 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 करके डालने में बोर हो रहा था, मैं सारा इकट्ठा डाल दिया तो वो लगा वाह व्हाट अ नाइस थिंग. हम लोग वहाँ पे गए थे स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे जाके बहुत सारे वीडियोस बनाए ऐसे रैंडम, इधर से उधर भाग रहे, कूद रहे, गिर रहे, पागलपंती कर रहे. तो वीडियोस जब अलग अलग से देख रही थी मुझे लगा ये कहीं अपलोड करने के लायक नहीं है, बट वो जो फीलिंग थी उस टाइम पे जो खुशी हो रही थी वो अपलोड करना भी ज़रूरी था, पर वो इतना गंदा था अलग अलग करके अगर वीडियो में डालती तो आप लोग देखते नहीं. तो बिल्कुल उसको बैठ के मैंने एडिट किया, पीछे गाना डाला एंड इट बिकेम अ वेरी नाइस वीडियो. बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा. अरे ऑल्टरनेट करियर ढूंढ रही हूँ, कुछ ना हो एडिटर बन जाऊँगी. तो देबीना आप सोचो मेरे लिए तो कितना आसान है. इनका ये खुद ही करते हैं बाय द वे. नहीं मैं एडिट कर का मौका नहीं रखता हूँ, मैं एक ही शॉट में बॉडी से वन शॉट में डांस और एक्शन खत्म करके रख देता हूँ. स्विट्ज़रलैंड आप जाते हो तो पहली बात तो आपको बता दूँ, हम इंडिया के बाहर जब भी जाते हैं, जब भी किसी ने पूछा कि आप कहाँ के हो, कहीं भी आप चले जाओ, जैसे आप इंडिया बोलते हो तो सबसे पहला वहाँ से पहला शब्द उनसे निकलता है कि बॉलीवुड. तो बॉलीवुड से इंडिया को पहचाना जाता है और जब बॉलीवुड की बात आती है तो शाहरुख खान उनको कैसे भूल सकते हैं, हर एक कोने में आप चले जाओ. शाहरुख खान वहाँ yes. सब लोग शाहरुख को जानते हैं एंड इट्स अमेजिंग एक्चुअली. तो वहाँ पे जाके ये पोज नहीं करते तो फिर वेल हम लोग बहुत मैं तो एक्चुअली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका और ये जाहिर कर चुका हूँ सोशल मीडिया में, बहुत बार उनका रिप्लाई भी आ चुका है. तो वो कमाल का रहता है यू नो, बाहर भी आप देश में जब उनका नाम सुनते हो तो आप बहुत प्राउड फील करते हो. तो आई थिंक इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. अच्छा मुझे लग ही रहा था कि अभी वेल वो सही टाइम पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा. जी जी वेल खुश कभी जल्दी आ जाएगी. तू कहीं को बोल रहा है बीच में. अच्छा खुश कभी तो अच्छा आगे बताइए केस क्या है सब कुछ है. नहीं सही टाइम पे आपको बता देंगे और डेफिनेटली आई एम वेरी एक्साइटेड और जब भी मौका मिलेगा और कुछ उसके बारे में बात करने का तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और तो सभी को उसी के बारे में बात जी करेंगे. देखिए मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक आर्मी हॉस्पिटल में पैदा हुआ हूँ, मेरे डैड आर्मी में थे तो मुझसे ज़्यादा आर्मी वाला कौन हो सकता. आर्मी स्कूल में पढ़ा हूँ तो मेरे लिए तो मैं खुद बहुत इमोशनल हूँ इस सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन इसके बारे में बहुत सारा बात हम बाद में करेंगे. इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करने वाली. नहीं 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 उनके काम की बात ये खुद करेंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ. Right now, only all the best to Ashwini ji, and I have worked with him. I know what a fantastic technician he is. So, this film is definitely gonna work. Ashwini ji.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.